किसी ने कुछ बताया क्या? नहीं मौसी, मौसम इतना खराब है कि किसी को फोन ही नहीं लग रहा है, और एक आध फोन लग भी जाता है ना तो सामने से कौन क्या बोल रहा है कुछ सुना नहीं देता है। लेकिन एक बात, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बालवीर है ना, बालवीर हमारे बच्चों को बुरे से बुरे तूफान से बचा के ले आएगा। हाँ, टेंशन में हम लोग ये तो भूल ही गए कि बालवीर है। हाँ, और बालवीर हमारे बच्चों को कुछ नहीं होने देगा। हाँ, बालवीर उनको सुरक्षित बचा के लेके ही आएगा। अब यहाँ पे सिर्फ हम लोग ही बचे, हम लोगों को भी जाना चाहिए, नहीं तो मेरा जी गट्टा हो जाएगा। डोंट वरी, हम सब यहाँ से बचकर निकल जाएंगे, ठीक है? हाँ। मोनिका, पहले तुम जा, और तुम्हारे पीछे पीछे सलोनी और नील भी आ जाएंगे। जाओ जल्दी, जाओ मोनिका, जाओ। महर, मेरा फोन पानी में गिर गया, नहीं तो मैं तुम दोनों के साथ जरूर एक सेल्फी लेती, और आई एम श्योर फेसबुक पे उसे 1000 लाइक तो जरूर मिलते, क्योंकि तुम दोनों इतने ब्रेव जो। एंड आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम्हारे साथ झगड़ा किया। डोंट वरी मोनिका, ऐसे बड़े बड़े कूल स्कूल्स में ऐसे छोटी छोटी बातें होती रहती है। मोनिका, अब सब भूल जाओ और जल्दी से ऊपर जाओ, जल्दी। ओके। थैंक यू मैडम मैं, अब तुम दोनों भी हमारे पीछे आओ। हाँ। अरे नहीं लगा ले, रस्सी पकड़ ले, रस्सी पकड़ ले, आराम से। ओए अरे, मानव, सब बच्चे ऊपर चले गए हैं, अब हम भी अपने लाइफ जैकेट्स पहनते हैं और ऊपर जाते हैं। हाँ, जल्दी निकाल। सॉरी मेयर। क्या हुआ मानव? मेयर, हमारे लिए और लाइफ जैकेट्स नहीं बचे हैं, लास्ट 3 बचे थे, वो मैंने मोनिका, सलोनी और नील को दे दिए। सॉरी, अब हम इस यॉट से बाहर नहीं निकल पाएंगे मेयर। मानव, तुझे पता है मुझे ऐसा लगता था कि तू अच्छा है, पर मैं गलत थी। अच्छा है सच्ची। और बालवीर कहता है ना कि अच्छे लोगों के साथ कभी भी बुरा हो ही नहीं सकता। डोंट वरी माना, हम बच जाएंगे पक्का। देख माना, अब हम पहले एक काम करते, यहाँ से निकलते और ऊपर जाते, ठीक है? जा ऊपर जा। मानव महर की आवाज है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हैं।
मुझे उनकी मदद के लिए जाना ही होगा। लेकिन बालवीर, आपकी बात इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? मानव मेहर मेरी बहुत अच्छी दोस्त है रानी परी, लाखों करोड़ों लोगों में भी मैं उनकी आवाज को पहचान सकता हूँ। लेकिन बालवीर, आप गुरुदेव को नहीं पहचानते हैं। वो इतने शक्तिशाली है कि हमें भ्रमित करने के लिए कोई भी छल कर सकते हैं। और गुरुदेव की चाल में फंसकर तुम बाहर गए और उन्होंने तुम्हें कैद कर लिया तो? हाँ बालवीर, बाल परी बिल्कुल ठीक कह रही। लेकिन रानी परी, परियो, अगर मैं नहीं गया और मानू मेहर और बाकी बच्चों को कुछ हो गया तो? बालवीर, ये समय भावनाओं में बह जाने का नहीं है, बल्कि दिमाग से सोचने का है। और हमें पूरा विश्वास है बालवीर कि ये सब कुछ गुरुदेव का रचाया हुआ छलावा है। और फिर बालवीर, अगर आपको कुछ हो गया तो हम गुरुदेव को कभी रोक नहीं पाएंगे। अब होगा हमारे योद्धा वायु से परियों का विनाश, संपूर्ण विनाश। मैंने तुम्हें बचाया। बालवीर, तुम? थैंक यू। बालवीर, हमें तो लगा था कि तुम हमें बचाने नहीं आओगे। ऐसा कभी हो सकता है कि मैं तुम दोनों को ना बचाऊं? अरे मोनिका तो वहीं रह गई। मोनिका? मैंने कहा कि हमें मोनिका को बचाना चाहिए ना। बच्चों चिंता मत कर, मैं मोनिका को कुछ नहीं होने दूंगा। No.
अरे तालियां तो मानव मेहर के लिए बजनी चाहिए क्योंकि उनकी वजह से ही हम सेफली यहाँ पहुंचे हैं। हाँ बालवीर, अगर मानव मेहर नहीं होते तो हम यहाँ कभी नहीं पहुंच पाते। बहुत अच्छे मानव मेहर, मुझे गर्व है तुम दोनों पर। तुम दोनों ने इतनी बड़ी मुसीबत में भी हार नहीं मानी और अपने साहस और सूझबूझ से सभी बच्चों को बचाया, बहुत अच्छे। अरे बालवीर, ये सिक्का हमें तुमसे ही मिली है। हाँ बालवीर, तुम हमारे सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि हमारी प्रेरणा भी हो। हाँ बालवीर जी, और ये अचानक मौसम खराब कैसे हो गया था, और ठीक भी हो गया अब तो, ऐसे कैसे? ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई तूफान आया ही नहीं था। चलो जो भी हो, हम बच तो गए। महेश, जरा बाहर जाके देखो ना, बच्चे अभी तक वापस क्यों नहीं आए? और वो तूफान भी इतना तेज था, पता नहीं बालवीर बच्चों तक पहुंचा होगा कि नहीं। बेकार में चिंता बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और मैं स्कूल ही जा रहे हैं, चल बेटा। हेलो, हाँ बोल रहा हूं। हाँ हाँ, क्या क्या बात है रे, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। थैंक यू सो मच, थैंक गॉड। बाबूजी, मासी, हमारे सारे बच्चे, नील, सलोनी, मानव, मेहर, सारे बच्चे समंदर से सही सलामत वापस आ गए हैं। अरे थोड़ी ही देर में घर में वापस लौट आएंगे। देखा बाबूजी, मैंने कहा था ना बालवीर हमारे बच्चों को जरूर बचाएगा। थैंक यू बालवीर, थैंक यू सो मच, वी आर प्राउड ऑफ यू। अपने सेवक के लिए क्या आदेश है गुरुदेव? त्रिनेत्रम गुरुदेवम महाशक्तिया, परियों और उनके साथी के विरुद्ध हम बहुत बड़ा युद्ध लड़ने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमारी सुरक्षा करो। आपका यह सेवक आपके ऊपर होने वाले हर वार को अपने ऊपर ले लेगा गुरुदेव। मेरे रहते आपको कोई छू भी नहीं सकता। हमें तुम पर पूरा विश्वास है वायु। तीनों लोकों में इस समय तुमसे अधिक शक्तिशाली और महाबली योद्धा नहीं। वायु की संपूर्ण शक्ति और बल आपके लिए है गुरुदेव। अब हम जिस महाशक्तिशाली शस्त्र से परियों और उनके साथी पर प्रहार करेंगे, उसके प्रहार से ना तो परी लोग बचेगा ना ही पृथ्वी लोग। परंतु हो सकता है कि परियां और उनके साथी हमारे इस प्रहार को रोकने की कोशिश करें। उससे पहले वायु उनकी जीवन की गति को रोक देगा गुरुदेव। आपसे पहले उन्हें आपके सेवक से टकराना होगा। अगर वायु आपके लिए प्राण दे सकता है तो उनके प्राण ले भी सकता है। आशीर्वादम महाशक्तिया। आपने जो अभी हमें मानव और मेहर के साहस और सूझबूझ के बारे में बताया, उसे सुनकर हम एक युक्ति सूझी है जिसकी मदद से हम गुरुदेव को ये विनाश करने से रोक सकते हैं। गुरुदेव को रोक सकते हैं? कैसे रानी परी? बाल परी, बालवीर, हम गुरुदेव पर वार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम उनका आदर करते हैं। गुरु हैं वो हमारे, इसलिए हम उन पर वार नहीं करेंगे। और फिर उन्हें हराने के लिए और उनकी असीम शक्तियों का मुकाबला करने के लिए हमें और भी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी।
हाँ रानी परी, लेकिन हमारे सिवाय बालवीर की मदद और कौन सी जादुई शक्ति करेगी? आपने बिल्कुल ठीक कहा भटकाती परी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे स्थान पर बालवीर के साथ मानव और मेहर जाएं। हाँ? हाँ? बालवीर के साथी बनकर। हाँ परी, गुरुदेव का मुकाबला करने के लिए बालवीर के साथ मानव और मेहर जाएंगे एक योद्धा बनकर। पर रानी परी, मानव मेहर गुरुदेव की जादुई शक्तियों के सामने टिक नहीं पाएंगे। हम जानते हैं, और इसीलिए हम मानव और मेहर को भी जादुई शक्तियां देंगे। हा? हमें मानव और मेहर पर पूरा विश्वास है कि वो अपनी बुद्धिमानी, वीरता और हमारी जादुई शक्तियों के साथ बालवीर के साथ एक योद्धा बनकर लड़ेंगे, और वो गुरुदेव को परीलोक को नुकसान पहुंचाने से रोक लेंगे। रानी परी, आप हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रही हैं। हाँ, हमें नहीं लगता कि हम आपके इस भरोसे को पूरा कर पाएंगे। मानो मैं, तुम दोनों ने ही हमें विश्वास दिलाया है कि सच्चाई और अच्छाई की रक्षा के लिए तुम दोनों लड़ सकते हो, और जादुई शक्तियों की मदद से एक वीर योद्धा बन सकते हैं। और अगर बात हर जीत की है, तो हर युद्ध में हार जीत तो होती है। अगर हम जीतते हैं तो आगे बढ़ते हैं, और अगर हारते हैं तो अपनी हार से एक सीख लेते हैं, फिर से कोशिश करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच, प्यार, दोस्ती, सच्चाई, अच्छाई, साहस और बुद्धिमान, आप दोनों में वो हर एक गुण मौजूद है जिससे आप इस जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छी तरह से निभा सकते हैं। ठीक है रानी परी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके विश्वास को हम टूटने न दें। हम बालवीर के साथी बनकर सच्चाई और अच्छाई की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। हाँ रानी परी, हम तैयार हैं। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो दोस्तों। बरेली यूपी से मोहम्मद नाहिद, मुंबई महाराष्ट्र से आस्था शेट्टी, जम्मू और कश्मीर से निहाल गुप्ता, नोएडा यूपी से फैज खान, मदुराई तमिलनाडु से दशरथ राजपुरोहित, समस्तीपुर बिहार से ओसामा शाहिम अहमद, और मधुबनी बिहार से तुफैल मुर्ताजा ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा बुजुर्गों को सड़क पार करने में मदद करते हैं और उनका आदर करते हैं। बहुत अच्छे बच्चे, आप सभी के इसी अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंक। चलिए दोस्तों, देखते आज का खास पत्र जिसे हमें लिखकर भेजा है अमरोही उत्तर प्रदेश से अरिबा हसन ने। दोस्तों, अरिबा ने हमें लिखकर बताया कि एक दिन जब वो नीचे अपनी सोसाइटी में खेल रही थी, तो उन्हें पता चला कि उनके वॉचमैन का जन्मदिन था, तो उन्होंने उनको विश किया और अपने जमा किए हुए पॉकेट मनी के पैसों से उनके लिए गिफ्ट खरीदा। बहुत अच्छे अरिबा, आपके इसी अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंक। तो दोस्तों, अगर अरिबा की तरह आपने भी कोई अच्छा काम किया है या फिर किसी की मदद की है, तो हमें इस पते पर लिखकर भेजिए या फिर लॉग ऑन कीजिए subtv.com पर, क्योंकि अब हर बच्चा बनेगा बालवीर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।